नमस्कार जी, जय आरसीएम। थोड़ा सा आपको सहयोग करना पड़ेगा। वैसे तो आजकल जितने चुटकले जोक आते हैं महिलाओं पर आते हैं, ये पता नहीं क्यों बदनाम कर रहे हैं लोग आपको, कर रहे हैं ना। ये ज्यादातर ऐसे जोक आते हैं कि दो महिला एक साथ बैठ जाए तो चुप रहना नामुमकिन है, लेकिन आज इनको गलत साबित करना है, कर देंगे ना। ओके साहब, एक रिक्वेस्ट, देखिए आप आरसीएम करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता, आपको समझ में आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ ना कुछ आज यहां से समझ के जाना। यस, उम्मीद करूं मैं, पक्का? ओके, देखिए साहब, आप सब लोग सुनने के लिए आए, मेरे से पहले जितने वक्ता आए सबने मेरी तारीफ करी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं मेरी तारीफ खुद ही कर लेता हूं, मैं ठीक आदमी हूं और सच में ठीक हूं, सच में ठीक हूं। देखिए साहब, देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चाहे कितना भी बढ़िया नेक काम करे, कितना भी बढ़िया हो, अगर होल्डिंग लगा लगा के अपनी तारीफ खुद नहीं करेगा तो क्या दोबारा वोट देंगे क्या? आज के तारीख में अगर जिंदगी में सफल होना है तो खुद की थोड़ी थोड़ी तारीफ करना शुरू कर दो। आज से 150 साल पहले, अब ताली की जरूरत नहीं है, आज से 150 साल पहले अपनी तारीफ करना तुच्छ काम माना जाता था, घटिया काम माना जाता था, लेकिन आज के तारीख में दुनिया के पास टाइम नहीं है आपकी तारीफ करने का। अगर आप में कुछ अच्छाई है थोड़ी थोड़ी तारीफ कभी कभार कर दिया करो। और देखिए, इंसान के रूप में अपने को परमात्मा ने भेजा है, परमात्मा चाहता तो अपने को चार टांगों पे भेज सकता था ना, तो कुछ ना कुछ तो अच्छाई है ना, तो मैं ठीक आदमी हूं। और मेरे को पक्का भरोसा है आपकी सीट पे जो इंसान बैठा है ना, वो मेरे से कई गुना बढ़िया है। कितने लोग अपने आप को बढ़िया मानते हैं जी? आज से मानना शुरू कर दो। यस, ओके, बातचीत शुरू करें। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी, पहले मुझे यहाँ पे आने के लिए इनवाइट किया गया जेपी सर द्वारा, शानदार ये व्यवस्थाएं करी, बुकिंग करी, और आप सब लोगों को इनवाइट किया, मुझे भी इनवाइट किया, तो जेपी सर के लिए हाथ ऊपर करके एक बार जबरदस्त ताली बजा दीजिए सर। यहाँ पे हम स्टेशन पे उतरे तो गुप्ता जी और वो तोमर साहब कहाँ गए? उन्होंने मुझे रिसीव किया। और अविनाश कहाँ है? यस सर, आप सब लोग आए। हाँ, वो तोमर गुप्ता जी वहां है। यस सर, बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजा दीजिए साहब, बहुत बढ़िया। यस, यहाँ पे हम आए तो आप सब लोग मिल गए, एक बार सबके लिए जबरदस्त ताली बजा दीजिए साहब। यस, मैं थोड़ी चाय ज्यादा पीता हूँ, हमारे एक प्रेमी रहते हैं इधर दनीश सर, वो थर्मस में चाय ले आए, मेरे को दो बार पिला दिए उन्होंने, एक बार उनके लिए और ताली बजा दीजिए। ओके, और अब कोई फॉर्मेलिटी छूट गई हो तो एक बार उसके लिए ताली बजा दीजिए। ओके, आप सब लोग आए, इतनी गर्मी में आए, इतने दौड़ धूप करके आए और मुझे ऐसे वेलकम किया, फूल दिया, गुलदस्ता दिया, जगह नहीं है फिर भी 150 रुपए दे के नीचे बैठे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस, ओके ओके, लेकिन अब कुछ समझना है। यस, ओके, बातचीत शुरू करें बिना फॉर्मेलिटी। ओके, मेरा नाम जय नारायण हुआ। जिस सिस्टम आरसीएम को आप समझने सुनने के लिए आए हो, मैं इस सिस्टम का लगभग 22 साल का स्टूडेंट हूं, 22 सालों से लगातार मैं इस सिस्टम को सीख रहा हूं और लगभग 12 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम आई है आज के तारीख में। आज अब ज्यादा ताली नहीं बजाना, टाइम लगेगा, और ताली बजाओगे जोर लगेगा, पसीना भी आएगा। ओके, सुनते रहना। आज के तारीख में लगभग 10 लाख रुपए महीने की इनकम लेता हूं। हाँ, अभी जो इनकम आई वो थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा होके लगभग 13 के लगभग है, और अब तक 12 करोड़ से ज्यादा इनकम आई है। मेरी कामयाबी का राज कोई एक लाइन में समझना चाहे, मेरे में कोई विशेष बात नहीं है, मतलब कोई विशेष बात नहीं है, ऐसी मेरे में कोई बात नहीं है जो आप में नहीं हो, लेकिन मेरी कामयाबी का सिंगल राज है, मैं पूरा आरसीएम पे फोकस रहता हूं, आलतू फालतू कामों पे ध्यान नहीं देता हूं। आलतू फालतू काम मेरी नजर में दारू, बीड़ी,
पुड़िया, सिगरेट, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, हिंदू मुस्लिम की बुराई करना, दिन में सोना, मोबाइल से खेलना, टीवी देखना, पीठ पीछे लोगों की बुराई करना, फालतू किसी से नाराज होना, माफी नहीं मांगना, माफ नहीं करना, मैं इन गंदे कामों में टाइम बर्बाद नहीं करता हूं। मेरी शादी हो गई, मुझे दूसरी करनी नहीं है। मैंने बिना देखे आते ही सबको बहन बोल दिया, भाई जिस रास्ते मुझे जाना नहीं वो रास्ता मैं क्यों पूछूं? यस या नो? आज के तारीख में पूरे हिंदुस्तान में आरसीए में करोड़ों लोग हैं, मैं कोर में हूं तो सबकी अपलाइन है, अपलाइन में हूं, मेरी टीम में भी 7 लाख से ज्यादा लोग है, इतना बड़ा परिवार है और हर प्रकार के लोग होते हैं। मुझे नहीं पता मेरे से कोई नाराज होगा, लेकिन मैं किसी से नाराज नहीं हूं। अगर कोई गलती हो भी जाए, मान लो भैया मेरे में कुछ होटोक हो गई किसी भी घटना पे, गुस्सा मेरे को भी आता है, गुस्सा जिंदा की निशानी है, आना भी चाहिए, लेकिन मैंने साइंस में पढ़ा है, मैंने 21 सालों में सीखा है, 5 मिनट से ज्यादा गुस्सा किसी के पास रहता नहीं है। 5 मिनट में गुस्सा ठंडा हो जाएगा, भैया को भी एहसास हो जाएगा, मुझे भी एहसास हो जाएगा कि गलती हो गई या इससे हो गई या मेरे से हो गई। बाद में शुरू होती है एक्टिंग, और कई वो एक्टिंग महीनों सालों लंबी चला देते हैं। मैं वो एक्टिंग नहीं करता हूं। मैंने कई ऐसे पति पत्नी देखे हैं, छोटी मोटी बात पे घटना दुर्घटना हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, वो दो दो चार चार महीने आपस में बात ही नहीं करते, पति उधर सो रहा है, पत्नी मुंह घुमा के उधर सो रही है, दुनिया से बात करेंगे हंस हंस के, लेकिन जैसे ही जीवन पार्टनर दिखेगा ना एकदम मुंह बना लेंगे, ऐसे नकली एक्टिंग करेंगे और वो एक्टिंग में जिंदगी खराब कर बैठते हैं। मान लो 3 महीने पति पत्नी गुस्सा रहे, 3 महीने में बच्चों ने क्या सीखा, 3 महीनों में बच्चों में क्या संस्कार गया, 3 महीनों में मां बाप पे क्या बीती। मैंने कई अपलाइन डाउनलाइन देखे हैं, छोटी मोटी घटना दुर्घटना हो जाती है और वो आपस में बात ही नहीं करते। मुझे ये एक्टिंग करनी नहीं आती है। कोई भी घटना हो जाए, मान लो मेरे भैया में कोई घटना दुर्घटना हुई, 5 मिनट मेरे को भी गुस्सा आता है, जैसे ही मैं होश में आता हूं मैं मेरे दिमाग में प्री जज नहीं करता हूं कि गलती इसकी है कि इसकी है, मैं प्री जज नहीं करता हूं। परमात्मा ने मुझे वकील बनाया, जज नहीं बनाया, वकील की डिग्री मेरे पास है लेकिन मैं जज नहीं हूं, मैं जज हूं ही नहीं तो मैं प्री जज क्यों करूं। जैसे ही मैं होश में आता हूं मैं तुरंत माफी मांग लेता हूं, चाहे गलती इसकी है चाहे मेरी है। ये जो छोटी मोटी घटनाएं होती है ना, पीठ पीछे बुराई करना, हिंदू मुस्लिम की बुराई करना, माँ बाप की बुराई करना, पति पत्नी की बुराई करना, मोबाइल से खेलना, मोबाइल तो मैं 2 रखता हूं, दोनों की कीमत 3-3.5 लाख रुपया है, लेकिन मुझे 2-4-5 बटन दबाने आते हैं। और कई बार है ना, जैसे कोई भी ये मोबाइल है, मेरे पास भी ऐसे 2 है, मोबाइल में कुछ ऐसा हो जाता है जो मुझे चलाना नहीं आता है, यस हो जाता है ना, मैं पता है क्या करता हूं, मेरे इर्द गिर्द सबसे टपोरी आदमी ढूंढता हूं कि यहां पे सबसे टपोरी कौन है, और मैं उसको देता हूं और वो 1 मिनट में ठीक करके मेरे को दे देता है। तो मैं इन फालतू के कामों में टाइम बर्बाद नहीं करता हूं। हेलो, मेरे पास एक एप्पल का लैपटॉप है, एप्पल का मोबाइल है, सच बताऊं मुझे अभी तक स्विच ऑफ करना नहीं आता, सच में नहीं आता, मैंने सीखा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। अभी जैसे मीटिंग में हूं ना, मैं फ्लाइट मोड में कर देता हूं। इन फालतू के कामों में मैं मेरा टाइम, ऊर्जा, वक्त बर्बाद नहीं करता हूं। मेरी पूरी की पूरी ऊर्जा मैं आरसीएम में टारगेट पे लगाता हूं, और मेरी इस छोटी सी आदत के कारण आज मैं 10 लाख रुपए महीने का इंसान हूं, आने वाले टाइम में मैं करोड़ों रुपए महीने का इंसान हूं। आज से एक ऐसी घटना याद आ गई, पुराना अपना इतिहास उठा के देखोगे ना तो अपने इतिहास में संत महात्मा होते थे, देवता भगवान होते थे, यस या नो? और वो कोई बात बोलते थे वो बात श्राप या वरदान बन जाती थी, सुना है ना? पता है वो क्या करते थे? मेरी समझ में पता है क्या करते थे? वो आंख बंद करके ऐसे तपस्या करते थे, यानी सारी ऊर्जा इकट्ठी कर लेते थे और वो एक जगह ऊर्जा लगा देते थे तो बात अपनी श्राप और वरदान बन जाती थी। यस, आज भी आपकी हमारी बात श्राप या वरदान बन सकती है, अगर हम सारी ऊर्जा इकट्ठा करके एक जगह लगा दें तो फिर कामयाबी क्या चीज है। मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मैं काम पे लगा सकूं। इस छोटी सी आदत के कारण
आप मुझे 150 रुपए टिकट देके सुन रहे हो साहब, वरना साहब जय नारायण की तो औकात 2 रुपए की नहीं है भैया, ये तो परमात्मा की इन बहनों का आशीर्वाद है, वरना साहब जय नारायण तो कुछ भी नहीं है। हेलो, जय नारायण से तो आपसे कम नॉलेज रखता है, आपसे कम नॉलेज, आपसे कम जानकारी है, आपसे हर मामले में कमजोर है। बस ये एक आदत है मेरी, और मेरी सारी बात इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। बातचीत शुरू करते हैं, एक बार ताली बजा दीजिए। मेरा ऐसा मानना है, परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु भगवान आप जिसको भी मानते हो, ऊपर से एक ही हमने अलग अलग बना दिया, परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु भगवान जब अपने को सुबह उठाता है तो सबको बराबर एनर्जी, बराबर ऊर्जा, बराबर ताकत देता है। परमात्मा कोई पक्षपात नहीं करता है। अब परमात्मा ने हम सबको उठाया, बराबर ताकत, बराबर एनर्जी, बराबर ऊर्जा दी। अब वो परमात्मा जो भी ताकत, एनर्जी, ऊर्जा देता है वो दिन भर में खर्च करनी होती है। शाम को हर इंसान मीटर जीरो करके सोता है, जब तक मीटर जीरो नहीं होता तब तक नींद नहीं आती। अब वो दिन भर की एनर्जी, ऊर्जा, ताकत हम कहां खर्च करते हैं, किस काम में खर्च करते हैं, किस नॉलेज के साथ खर्च करते हैं, किस टारगेट के साथ खर्च करते हैं, कितनी एकाग्रता के साथ खर्च करते हैं, इस बात पे हमारी सफलता और असफलता टिकी रहती है। एग्जाम्पल, हम सबको बराबर ऊर्जा दी। ये एक मेरा भाई है, इसने सारी ऊर्जा दारू बीड़ी पुड़िया में लगा दी। वो मेरा दूसरा भाई है, उसने सारी ऊर्जा हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस बहन बेटियों की बुराई करने में लगा दी। ये मेरा तीसरा भाई है जो दूसरों की बुराई करने में, एक्स्ट्रा सोने में, मोबाइल से खेलने में और टीवी देखने में, आलस करने में और बहाना करने में अपनी ऊर्जा लगा दी। ये मेरा कोई चौथा भाई है, इसने टारगेट लेके पूरी ऊर्जा काम पे लगा दी। बताइए कामयाब कौन होगा चारों में से? आप कौन हो? मैं पिछले 22 सालों से ये चौथा बनने का प्रयास करता हूं, और आज की मीटिंग में जाते टाइम आपसे भी मैं उम्मीद करूंगा, इसी पॉइंट पे मैं मीटिंग खत्म करूंगा, बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूंगा, मेरा नाम जय नारायण हुआ, मैं राजस्थान में श्री गंगान से बिलोंग करता हूं, मैं वहां का जाट हूं, पुराना काम खेती बाड़ी का है। आपके आशीर्वाद और पूर्वजों की मेहनत से खेती बाड़ी अच्छी होती है। मेरे पिताजी के लगभग 125 एकड़ जमीन है, हमारे खेत में करोड़ों की फसल होती है। मैं पैसे से ठीक घर से हूं, मैं आरसीएम नहीं करता तो भी मेरी जिंदगी ठीक ठाक और बढ़िया चल जाती साहब। परिवार में 4 भाई बहन है, मैं सबसे छोटा हूं, घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, मैं पढ़ाई में बीएससी एलएलबी हूं, बताने को मैं एडवोकेट वकील हूं। मेरी घरवाली का नाम मंजू है, मैं बीएससी एलएलबी हूं, मेरी घरवाली पढ़ाई में बीए एलएलबी डबल एम में बीएड है, अभी भी कुछ पढ़ती लिखती रहती है। 22 साल पहले शादी हुई, शादी के 2.5 महीने बाद ये आरसीएम मिला। आरसीएम जब पहली बार बताया जाता है तो 90% लोगों के समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि लोग क्या है, अन्य चीजों को देख लेते हैं, इसका प्लान, इसका विजन उसको नहीं समझते हैं। जैसे आज कोई मीटिंग में आया होगा, वो गर्मी देख के वहीं से चला जाएगा, वो क्या सोचेगा, मेरे को तो सीट ही नहीं मिली, 150 ले लिए। अब उसके लिए सीट इंपॉर्टेंट है, यस या नो? कई ये एसी तो हवा ही नहीं आ रही, क्या एसी एसी लटकाया है ही नहीं इसमें कुछ। अब कईयों का ध्यान इधर है, कई मेरी इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं, कई वो डॉक्टर साहब बीच में आए ना तो ये बीच में क्यों गए, अब वो अपना काम करके चले गए, लेकिन कई वहीं पे अटके हुए। हेलो, तो लोग ऐसे हैं ना, अपने आप को अटकाते रहते हैं कहीं ना कहीं। यस, कोई आरसीएम में फेल हो गया, लोग उसको देख लेते हैं, कोई आरसीएम की दुकान खुली बंद हो गई, लोग उसको देख लेते हैं और क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये मेरे काम का नहीं है। आज से 22 साल पहले आरसीएम मिला, मुझे आरसीएम का विजन, आरसीएम का प्लान और आरसीएम का भविष्य समझ में आया। हेलो, मैंने किसी असफल आदमी को नहीं देखा। मैं एग्जांपल दूं, इनके गांव का नाम है रामपुरा, क्या नाम है जी, और ये लड़का आरसीएम करता है, ये टाई लगा के घर से निकलता है तो रामपुरा गांव के लोग क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा आरसीएम चल रही है, वो विनोद कर रहा है। अब कुदरत से आरसीएम बंद कर दे तो रामपुरा वाले क्या बोलेंगे, आरसीएम तो बंद हो गई। अब बताइए आरसीएम बंद हो गई या एक विनोद बंद हो गया, तो लोग इसी को कंपनी मान लेते हैं। हेलो, अच्छा इन्होंने आरसीएम का पिकअप सेंटर खोला और कुदरत से इनका नहीं चला या चलना नहीं चाह,
या पैसा खत्म हो गया या ये करना नहीं चाहते है, इन्होंने बंद कर दिया। जब पिकअप सेंटर चल रहा है तो पूरे मोहल्ले में पूरे एरिया में क्या बोलते हैं, हाँ हाँ आरसीएम चल रहा है वहां पे दुकान है। जैसे ये बंद करेंगे पूरे एरिया के लोग क्या कहेंगे, आरसीएम बंद हो गई। मुझे कई लोग मिलते हैं, आरसीएम तो बंद हो गई अभी भी चल रही है क्या? मैंने कहा तुम्हारी बंद हो गई होगी, मेरी तो 22 साल से चल रही है भाई। मेरे 22 सालों की इनकम स्टेटमेंट देखो, मेरी तो चल रही है। लेकिन लोग इस प्रकार अटक जाते हैं, किसी न किसी नेगेटिव चीज को देख लेते हैं। अच्छा असफल कहां नहीं होते बताइए? जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं हर साल वहां पे 10वीं या 12वीं जितना स्कूल है 60 बच्चे क्रॉस होते हैं, क्या सारे बच्चे आईएएस बनते हैं? क्या सारे बच्चे कामयाब होते हैं? तो क्या फिर पढ़ाना छोड़ देते हो? यस। आज से 22 साल पहले आरसीएम मिला, मैंने ये नेगेटिव चीज नहीं देखी, आरसीएम का विजन भविष्य प्लान देखा, काम करना शुरू किया। शुरुआत में 3 महीने तक इनकम जीरो, और उस 3 महीने में मैं इस प्रकार की मीटिंगों में जाता था, और उस 3 महीने में घर का माहौल खराब हो गया। मेरी उम्र 23 साल थी, शादी हो चुकी थी, और दहेज का स्प्लेंडर मोटरसाइकिल मेरे पास था, और मैं दिन भर भागता था, इनकम जीरो जीरो जीरो, 3 महीने तक जीरो। तीसरे महीने मेरे माँ बाप भाई बहन और पत्नी ने एक मीटिंग बुलाई और मेरे को खूब डांटा, खूब टाइट किया कि ये क्या है आरसीएम, पूरे दिन पागलों की तरह आरसीएम आरसीएम जय आरसीएम जय आरसीएम, इनकम आ ही नहीं रही, रोज पेट्रोल जला देता है, कोई धंधा ही करना है, नौकरी कर ले, दुकान कर ले, खेती कर ले, कुछ नहीं तो घर में पड़ा रहा, घर का माहौल खराब हो गया, इनकम जीरो। यहां पे भी कई लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम जीरो आ रही है और घर का माहौल खराब हो रहा होगा, हो रहा है क्या? देखिए साहब, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा भाई बहन है, ये मेरे से प्यार करते हैं। यस। अब ये आरसीएम के बारे में तो जानते नहीं है क्योंकि इन्होंने कंपनी नहीं देखी, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं देखा, अब इनकम आ नहीं रही तो इनके दिमाग में पता है क्या है कि मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा बहन बिगड़ नहीं जाए, गलत संगत में नहीं चले जाए, इसलिए रोकते हैं। मेरे को भी रोकते थे, मैंने मेरी अपलाइन को फोन किया, मैंने कहा तुम तो कह रहे थे रोल्टी आएगी, यहां तो रोल्टी छोड़ के रोटियां ही नहीं मिल रही, घर वाले रोटियां ही नहीं दे रहे। तो मेरी अपलाइन ने कहा यार तेरे घर वाले थोड़े पैसे वैसे वाले हैं, घर वाली पढ़ी लिखी है, तो मामला तेरा घर का खराब है, तू एक काम कर घर वाली को उठा के मीटिंग में ले जा। मैं घर वाली को उठा के मीटिंग में ले गया, मीटिंग बड़ी बहुत बढ़िया हुई। इस मीटिंग से फायदा क्या हुआ पता है? मुझे टाइम पे रोटियां मिलने लग गई। आज जितने भी लोग फैमिली सहित आए हैं ना, मेरी गारंटी है उनको रोटियां टाइम पे मिलेगी भैया। यस, रोटियां टाइम पे मिली, चौथे महीने मेहनत करी, इनकम 885 रुपए, और धीरे धीरे वो इनकम कभी कम हुई कभी ज्यादा हुई। यहां पे भी कई लोगों की इनकम कम ज्यादा हो रही होगी। मेरी 13वें महीने की इनकम 16,581 और 14वें महीने की इनकम 735, 16,000 से वापस 700 रुपया, ऐसे इनकम कम ज्यादा चली। 2 साल से मैं रोल्टी पे पहुंच गया और 2 साल बाद मेरी रोल्टी की इनकम आई 22,478। उस टाइम डाकिया घर पे चेक लेके आता था, जैसे ही डाकिया चेक लेके आया मैं घर पे नहीं था, मेरी घरवाली ने डाक खोली और अंदर 22,478 का चेक, घरवाली खुश। मैं शाम को घर आया, घरवाली अपने आप ही हंस रही, उसने हलवा मालपुआ खीर ऐसे सब्जियां बना रखी और अपने आप ही हंस रही। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मजा आ गया, आरसीएम बहुत बढ़िया है, मैं भी करूंगी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले चेक देखो 22,000। मैंने कहा 2 साल से मैं समझा रहा हूं, समझ में नहीं आया, 22,000 से समझ में आया। हेलो हेलो। तो भैया घर वालों को समझाना हो तो 2 ही तरीके है, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप आपसे नहीं समझेंगे। ये बच्ची आईएएस बन जाए, क्या बन जाए साहब? ये मेरी बहन आईएएस बन जाए, आईएएस, और मान लो इसकी माँ अनपढ़ है, क्या है जी? अनपढ़। जिस दिन आईएएस की ड्यूटी करने जाएगी ना, इसकी माँ पता है क्या बोलेगी? बेटा बस आराम से पकड़ना, ट्रेन आराम से पकड़ना, खाना टाइम पे खाना, जल्दी सो जाना, वो अनपढ़ है, ये आईएएस है। तो भी समझा रही है, यस या नो? क्योंकि माँ है, यस या नो? तो घर वालों को आपके समझाने से समझ में नहीं आएगा। घर वालों को समझाना है तो थर्ड पार्टी, पहला काम घर वालों को उठा के मीटिंग में लाओ, कुछ समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो कड़ी मेहनत करो, 20-30-50,000 लाख 2 लाख का चेक निकालो, घर वालों को समझ में आ जाएगा। यह भाषा सबको समझ में आती है? आती है नहीं आती है? 2-3 दिन बाद मीटिंग थी, मैंने घरवाली को कहा मीटिंग में चलो, करना है तो आरसीएम।
मैं घरवाली को मीटिंग में ले गया, बड़ी शानदार मीटिंग। ये भाई गला पकड़ रहा है ना। दो तीन दिन बाद मीटिंग थी, घरवाली को मीटिंग में लेके गया, मीटिंग बड़ी शानदार हुई। शाम को घर आए, मैंने घरवाली से पूछा मीटिंग कैसे लगी। बोले मीटिंग बहुत बढ़िया है, मजा आ गया, तुम दबा के आरसीएम काम करो, मैं साथ हूं। मैंने कहा यार दो दिन तो पहले बोल रही थी चेक देख के कि मैं करूंगा, और मीटिंग देखने के बाद बोलती है मैं नहीं करूंगा, ये क्या मामला है। बोले मैं आरसीएम नहीं कर सकती। मैंने कहा कैसे। बोले आपके आरसीएम में दो कमियां हैं, और उस टाइम सच में दो कमियां थी बहन। मैंने कहा क्या कमी है। बोले पहली कमी, आज जो मीटिंग थी ना, मीटिंग में 500 लोग थे, लेडीज एक भी नहीं थी, सारे जेंट्स थे, लेडीज में अकेली थी। आज से 20 साल पहले जो मीटिंगें होती थी ना आरसीएम में, उसमें लेडीज नहीं आती थी, हमारे राजस्थान में तो बिल्कुल नहीं आती थी, घूंघट होता है। बोले 499 जेंट्स थे, लेडीज के नाम पे मैं अकेली थी। वो 499 लोग प्लान नहीं देख रहे थे, घूर घूर के मेरे को देख रहे थे। मैं आरसीएम करने जाऊंगी, लोग मेरा प्लान नहीं देखेंगे, लोग तो मेरे को देखेंगे, तो फिर मैं कैसे करूंगी। मैंने कहा बात तो सही है ये। मैंने कहा चलो दूसरी कमी बता। बोले दूसरी कमी ये है, आपके जो गुरुजी आए उन्होंने मीटिंग बहुत बढ़िया ली, लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि आरसीएम में कामयाब होना है तो कपड़ा आरसीएम का पहनना पड़ेगा, और आरसीएम में लेडीज कपड़ा आता ही नहीं है, आरसीएम में तो पैंट शर्ट आता है, तो फिर मैं पहनूं क्या, घूंघट कैसे रखूं। मैंने कहा बात तो ठीक है। एक दो घंटे मैं सोचता रहा, मैं शरारती हूं। मैंने कहा अंदर से कैंची लेके आ। वो अंदर से कैंची लेके आई, उसके इतने लंबे लंबे बाल थे, मैंने उसके बाल काट दिए, और कैंची इतनी तीखी थी एक बार में ही काम हो गया। वो एकदम से भड़की, बोले पागल हो क्या। मैंने कहा हाँ पागल हूं। बोले कैसे। मैंने कहा तेरी दोनों समस्याओं का समाधान हो गया। बोले कैसे। मैंने कहा तू कल टेलर के पास चल, तेरे कोट पैंट टाई सिलवा देता हूं, बाल होंगे नहीं और कोट पैंट टाई लगी होगी, साला 70% को तो पता ही नहीं चलेगा कि लेडीज एक्जेंट्स है, ताड़ना बंद हो जाएगा, ताड़ना बंद हो जाएगा। यस या नो। लोग क्या ढकी हुई चीज को ज्यादा देखना पसंद करते हैं। यस या नो। तो नंबर वन ताड़ना बंद हो जाएगा, नंबर दो 100% प्रोटीयूज का काम भी हो जाएगा। तो अगले दिन मैंने पेंट को टाई सिलवा दिया। गांव से मेरी मां का फोन आया, बोले तू पागल है। मैंने कहा क्या हुआ। बोले बाड़ी काट दी है। मैंने कहा हाँ मां काट दिए। बोले कितने काटे। मैंने कहा जड़ से ही काट दिए। बोले तू मेंटल है। मैंने कहा कैसे। बोले हम गांव के जाट आदमी, बोरला नहीं बांधेगी, घूंघट नहीं रखेगी, गांव में इज्जत का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, बड़े बुजुर्ग क्या कहेंगे, आगे बच्चों के रिश्ते ही नहीं होंगे, ये वो। मैंने मां को समझाया। मैंने कहा मां मैंने कई घूंघट वालियों को रात में दीवार कूदते हुए देखा है, मैंने कई घूंघट वालियों को ससुर के लठ मारते देखा है, नहीं देखा क्या। घूंघट घूंघट से कुछ नहीं होता मां, जमाना पुराना हो गया, इज्जत को आंच नहीं आएगी, हम काम करेंगे, चिंता मत करो। घरवाली को साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल कार सिखा दी, दोनों ने दबा के रेस लगाई साहब। मेरी रॉयल्टी आई 2 साल से, मेरी घरवाली का पहला चेक 22,000 का डायरेक्ट पहले महीने रॉयल्टी। हेलो, इसमें दो बातों का रोल है सर। पहला, अकेले काम करोगे लेट कामयाबी मिलेगी, फैमिली सहित काम करोगे जल्दी कामयाबी मिलेगी, पहला। दूसरा, जब मैंने आरसीएम शुरू किया ना, तो मैंने मेरी ज्वाइनिंग के बाद पहली ज्वाइनिंग घरवाली की लगाई थी। अब जब मेरी रॉयल्टी आई तो घरवाली की एक लेग में 3.5 का काम हो गया, नहीं हो गया, तो घरवाली ने डायरेक्ट बी खोल ली 1.15। तो अगर आप यहां पे समझना चाहते हो, परिवार सहित काम करोगे जल्दी कामयाबी मिलेगी, पहला। दूसरा, अगर आरसीएम आपको पूरा समझ में आ जाए तो आपके घर में जितने 18 साल से बड़ी उम्र के लोग है ना, सबकी ज्वाइनिंग फंसा दो। कोई 2 साल बाद जागेगा, कोई 4 साल बाद जागेगा, जब जागेगा तब तक एक लेग में अच्छा काम हो जाएगा, यानी पड़े प्लाट का रेट बढ़ जाता है। यस या नो। यस या नो। तो फिर पति पत्नी दोनों ने काम करना शुरू किया साहब। मेरी घरवाली 6 महीने में टेक्निकल हो गई थी और मैं भी टेक्निकल हो गया। छोटी सी कार खरीद ली, आल्टो 2,79,522। उस कार को हमने दिन रात दौड़ाया। मेरी घरवाली बोलती है बच्चे बच्चे कब करने हैं। मैंने कहा ये कोई काम है क्या साला, कुत्ते बिल्ले 20-20, 50-50 कर लेते हैं। अरे पैसा तो बापू से मांग के खाते हैं, पैसा तो खेत का खाते हैं, कहीं का बच्चे। मैंने कहा पहले अपने पैरों पे खड़े होते हैं, बच्चे बच्चे करते रहेंगे साहब। तो 2004 से लेके 2009 तक रेस लगाई साहब, उस गाड़ी को 11 महीने में 65,000 किलोमीटर दौड़ाया। 2006 में इनोवा गाड़ी ले ली थी,
दो ड्राइवर रखते थे, पति पत्नी पीछे, दिन में मीटिंग करते थे, रात में चलते थे साहब, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते साहब आज मैं स्टार रूबी हूं। मेरे नाम से इनकम आती है वो 4 से 8 लाख पिछले महीने की ज्यादा है। मेरी घरवाली रूबी लेवल पे है, उसके नाम से इनकम आती है वो 2.5 से 5 लाख के बीच में, दोनों की इनकम लगभग 10 लाख महीने की साहब। आज आरसीएम की वजह से मेरे घर में 7 गाड़ियां इस टाइम चल रही है, 7 गाड़ियां मेरे पास जो चल रही है, 8 मकान है साहब, 2 आपके गुड़गांव में है, 1 जयपुर में है, 1 सूरतगढ़ में है, 1 गांव में है, 4 जगह खेती है वहां पे है, और आरसीएम की वजह से बहुत कुछ मिला है साहब। अभी लगभग ये 1.5 महीना मेरा पूरा घूमने का ही है साहब, आज बस एक ही मीटिंग है। हालांकि मैं खूब काम करता हूं, लेकिन पीछे मेरी बेटी का एग्जाम था तो 1.5 साल से हम घूमने नहीं गए, तो अभी लगातार अभी हम बाली जाके आए हैं, अभी 15 दिन के लिए गोवा जा रहे हैं, फिर बच्चे झांकी भी टिकट बुक करेंगे। अगले इस महीने में मेरी कोई मीटिंग नहीं है, एक ही मीटिंग है ये 1.5 महीना लगातार, इस 1.5 महीने के बीच में आज एक ही मीटिंग है ये बस, यानी 1.5 महीने में मैं लगभग ये 3 घंटे काम करूंगा साहब, 1.5 महीने में 3 घंटे, बाकी पूरा घूमने का है साहब। हेलो, और जहां भी हम गए हैं ना, जाने की टिकट बुक कराई है, आने की टिकट बुक नहीं कराई, जहां भी बच्चों का मन करेंगे वहां पे घूमेंगे साहब। आज जो भी मेरी जिंदगी के सपने थे, आज मेरी जिंदगी उनसे हजारों लाखों गुना आगे चल रही है साहब। मेरी घरवाली ने पिछले 1 साल में 62 लाख का गोल्ड खरीद लिया। कितने का? एक नंबर की बात कर रहा हूं मैं साहब, वरना बहन कान का एक कोका बाली लेते हैं ना, इतने में बैलेंस बिगड़ जाता है और तलाक की घटनाएं हो जाती है बहन। पता है क्यों बहन? पिछले 22 साल से मेहनत करते हैं बहन, पिछले 22 साल से दिन में नहीं सोए, किसी दूसरी औरत को जाके आई लव यू नहीं बोला साहब, मोबाइल से नहीं खेलते साहब, हिंदू मुस्लिम की बुराई नहीं करते साहब, मां बाप पत्नी बच्चों की बुराई नहीं करते साहब, अपना फोकस काम पे रहता है, रिजल्ट आपके सामने है। ये मैंने जितने फायदे बताए हैं ना, ये आरसीएम करने का लास्ट फायदा है।